हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव उठनी, देवोत्थान और देव प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराने पर सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जो 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं, उन्हें शंखनाद और मंगल गीत गाकर जगाया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र समेत सभी तरह की जानकारी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय व्यापनी एकादशी 12 नवंबर को होने से देव उठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह का बहुत ही विशेष महत्व होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब प्रभु जागते हैं तो उस दिन सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर 4 महीने से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आती हैं वे भी दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर कन्यादान के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती हैं या फिर विवाह बार बार टूटता है तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना जाता है। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिय तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन महिलाएं रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन वे तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा के जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तुलसी पूजन के समय इस मंत्र के जाप से आपकी पूजा पूर्ण होगी। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनु वृंदा प्रचोदयात। आप सभी को तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।